पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। सर, किए हैं उनको वो खुद कबूलेगा, वो तस्वीर भी देखनी होगी। यूपी पुलिस पहुंच रही है, एसटीएफ एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार ने साफ तौर पर यह आदेश दिया था अधिकारियों को, आपको याद होगा योगी सरकार का फरमान कि लखनऊ तभी लौट कर आइएगा जब गिरफ्तारी कर लेंगे, और आज अधिकारी लखनऊ तभी लौटेंगे जब उसकी गिरफ्तारी करके पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी प्रिया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है सुबह से लेकर अब तक, क्या कुछ अपडेट आई है ग्राफिक के जरिए आप उनसे समझने की कोशिश करिए। हमने कंट्रोल रूम बनाया था जिसके जरिए हम लगातार आपको विकास से जुड़ी हर अपडेट दे रहे थे। प्रिया, ओवर टू यू। बिल्कुल लक्ष्मी, आइए अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे नेक्सस तक पुलिस पहुंची है, इसके लंका को भेदा गया है एक एक करके, कैसे इसके साथियों की गिरफ्तारी हुई, विकास दुबे तक कैसे पुलिस पहुंची और सबसे पहले किसका एनकाउंटर पुलिस ने किया, उसके बाद कैसे उसके गुर्गे जो है एक के बाद एक लगातार पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के पे देख पा रहे हो, ये वो ट्री है, विकास दुबे मास्टरमाइंड है जिसकी गिरफ्तारी उज्जैन से अभी हुई है। लेकिन आज सुबह की बात करें, प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर की खबर सामने आई, कल इसका जो बॉडीगार्ड था अमर दुबे उसके एनकाउंटर की खबर सामने आई थी, भवन दुबे भी आज इटावा में ढेर किया गया है, सुबह सुबह ही यह खबर सामने आई थी, जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाया था। प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे की अगर हम बात करें तो याद होगा जिस रात एनकाउंटर, जिस तरीके से पुलिस वहां पहुंची थी, मुठभेड़ हुई थी, उसकी सुबह ही इन दोनों को पुलिस ने ढेर कर दिया था। तो ये पूरा मास्टर माइंड है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जितने गुर्गे, ये पांच गुर्गे हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमर दुबे को पुलिस ने ढेर किया था, इसका सबसे करीबी था ये अमर दुबे, उसके बाद प्रभात मिश्रा तक पुलिस पहुंचती है, प्रभात मिश्रा को भी आज ढेर कर दिया जाता है, भवन दुबे को भी आज पुलिस ढेर करती है, उसकी तस्वीर भी हम आप दिखा रहे हैं आपको, और प्रेम प्रकाश पांडे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अतुल दुबे जिसको ढेर किया था पुलिस ने मुठभेड़ के दूसरी सुबह ही।